बनिहाल वहाँ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बुनियादी सहूलतों की कमी के चलते यहाँ बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का काम 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। स्टूडेंट्स और मकामी लोगों ने PWD और JKPCC पर बुनियादी सहूलत फराहम कराने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया है। वहीं आपको बता दें कि बनिहाल वाकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बुनियादी सहूलतों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों की तरफ से कमी को लेकर मुतालबा किया गया है। बता दें कि कमी के चलते यहां बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का काम 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन अब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं की गई है। इसके साथ साथ हॉस्टल और खेल का मैदान भी नहीं है, जिससे बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं स्टूडेंट्स और मकामी लोगों ने PWD और JKPCC से बुनियादी सहूलतों को लेकर मांग की है। साथ ही सभी बुनियादी सहूलतों को फराहम करने के लिए अपील की गई है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद चुका है। खुर्शीद, जाना चाहेंगे फिलहाल कितने लंबे वक्त से बच्चों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, ऐसे में अब क्या रुख इंतजामी की तरफ से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं डिग्री कॉलेज बनिहाल की बात करूं तो इस कॉलेज के साथ साथ जो है काजीगुंड का कॉलेज और रामन का कॉलेज जो है रामन जिला में जो और एक कॉलेज है वो और बनिहाल का कॉलेज है तीलू कॉलेज जो है सन 2008 में जो है यहाँ पे अनुसंगी बुनियाद डाली गई थी और सन 2014 में जो है तीनों कॉलेजों में क्लासेस शुरू हो गई थी, पढ़ाई शुरू हो गई थी, स्टाफ वहां पे सरकार ने भेजा था। लेकिन काजीगुंड और रामन का जो कॉलेज है चारों वहां पे रोड की फैसिलिटी दी गई। ये बदकिस्मती इस कॉलेज की ये है कि बनिहाल कॉलेज 2014 से वहां पे स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन 2024 जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन रोड की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इनको होती है। जो स्टूडेंट नील से, रामसू से, खड़ी से, उकड़हाल से यहाँ को तालीम हासिल करने के लिए आता है उन्हें बनिहाल तक आना पड़ता है गाड़ियों में, और बनिहाल मार्केट से जो है कॉलेज डिग्री कॉलेज बनिहाल वो करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है और बीच में बहुत बड़ा बिस्लरी नाला है। वो नाला जो है खासकर लड़कियां उनको वो पैदल सफर करना पड़ता है। करीब करीब 300 स्टूडेंटों के साथ साथ जितने मुलाजिम वहां पे है सबको वो नाला क्रॉस करना पड़ता है। उसमें टीचर्स भी है जो कॉलेज के अलग मुलाजिम है, अलग अलग स्टाफ है, उन्हें दिक्कत आती है इस रोड की। हालांकि जब कैसे टीवी ने वहां प्रिंसिपल की के साथ बात की है तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमने अपने अथॉरिटीज को लेटर लिखी है और उन्हें यकीन दहानी दिलाई कि आने वाले वक्त में जो है डिग्री बनिहाल को रोड दिया। और कैसे टीवी ने ये खबर 2 बार चलाई है, इससे पहले भी जब DDC अंताज खांडे ने खारपुरा से जो डिग्री कॉलेज को रोड कनेक्ट होता है वहां पे खाली रिबन काटा गया था, संगी बुद्धिया डाली गई थी रोड की, लेकिन तभी रोड वहां का वहीं पे अटका हुआ है। और वहीं बनिहाल बलकूट की अगर हम बात करेंगे जो बनिहाल बलकूट को जोड़ता है रोड, वहां से अगर डिग्री कॉलेज पे सिर्फ JCP से वो बना दिया गया वो ना के बराबर वो रोड है, तो कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड ये है कि मौसम शर्मा से आने से पहले जो है यहाँ पे रोड का काम लगना चाहे। और हमें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 2 किलोमीटर दूर सुबह भी पैदल जाना पड़ता है, शाम को जब छुट्टी होती है कॉलेज से तब भी पैदल आना पड़ता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं बनिहाल और कॉलेज के बीच में जहाँ पे झाड़ियां हैं, जंगली जानवरों का रहने का खतरा है, खासकर जो बिस्लरी नाला बहुत बड़ा आता है बनिहाल है और बलकूट नाला जो आता है वहां पे कुछ रोज पहले जो है बादल फट गया था और एक JCP और एक व्यक्ति की मौत वहां पे मौके पे हुई थी जो KCTV ने भी चलाया था। तो ये सब मिला के जो है अभी तक जो है वहां पे स्टूडेंट है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रोड की वजह से। उन्होंने डिमांड की है नई जो सरकार बनी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी रोड दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, ठीक है खुर्शीद, आप बने रहिए हमारे साथ और इस दौरान मकामी लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। और मैंने यहाँ इसी साल एडमिशन ली, मैंने एडमिशन यहाँ इसलिए ली ताकि मुझे लगा यहाँ पर रोड की फैसिलिटी होगी, और जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा दी ताकि इसलिए उन्होंने एडमिशन कैंसिल की ताकि उनके जो यहाँ रोड नहीं है, इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि गवर्नमेंट से कि यहाँ पे रोड दिया जाए और हम अपनी अपनी जो पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो कहाँ से आप पैदल आते हो?
कि हम मेन मार्केट से पैदल आते हैं। तो हम सरकार से ये अपील की जाती है कि हमें रोड दिया जाए, क्योंकि हमारे पास रोड नहीं है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है यहाँ जीडीसी बनिहाल की, वो सारे पैदल आते हैं। इकोनॉमिक जो है वो जो उनकी फसल वो काम होती है बेचारों की, हमारे जैसे पैदल आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो जहाँ से हम आते हैं जिस रोड से, वो रोड नहीं है, वो सीधा नाला है। हमारे यहाँ मुझे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी से, कि हमें रोड दिया जाए। और बहुत सारी दिक्कत होती है, जब बारिश होती है, हम बाढ़ आ जाती है, हम कॉलेज नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता हमें अच्छा नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ पे रोड होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज जो है वो बनिहाल टाउन से 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे बनाया गया है, ये कि बहुत दूर है। और यहाँ पे रास्ता भी नहीं है सीधा चलने के लिए। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी जंगल झाड़ियाँ हैं, इनमें से गुजर के हमें सुबह यहाँ पे आना पड़ता है। हमें यहाँ पे रोड की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें बारिश में यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे बारिश में आते हैं, हमें डर लगता है, यहाँ फ्लड आता है, हम उस वजह से डरते हैं, हम बारिश में घर बैठते हैं, हम बारिश में यहाँ कॉलेज नहीं आ पाते हैं। रोड का काम चल रहा है, वाई तुलबाग शाबनबास रोड का काम शायद 2-4 सालों से शुरू हो चुका है, उस पर काम जारी है। तो वह इस साइड वाला रोड जो आरजी है, यहाँ से जो एक हमें जो है कनेक्टिविटी मिल सकती है, तो यहाँ हम चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि ये रोड जो है इस पर भी काम होना चाहिए। ये रोड भी जो है वो अगर बन जाती तो बच्चों के लिए जो है आसानी हो जाती, क्योंकि वो वाला रोड जो है ना वो काफी दूर है। वो जो बच्चे साइड से न्यू साइड से आएंगे, उन बच्चों के लिए वो रोड ठीक है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो है इस साइड से कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। इस हवाले से बच्चों ने पहले भी शिकायतें की है, और लेकिन हमने भी लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था हमने, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यकीन दहानी कराई है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद बहुत जल्द जो है इस रोड के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलेगी। खुर्शीद, अब फिलहाल देखा जाए तो क्या यकीन दहानी इंतजामिया की तरफ से की गई है, और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जो बुनियादी सहूलत है वो बेहतर हो सकेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह प्रिंसिपल डॉक्टर शफी कटोज ने केसीटीवी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लेटर लिखी है अपने डिपार्टमेंट को भी और इंतजामिया को भी, लेटर लिखी है कि आने वाले जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पैदल आते हैं उन्हें दिक्कत होता है। तो उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि आने वाले वक्त में जो है इस पे एक्शन होगा और जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिलेगी इस रोड के हवाले से। वही है इस चीज की कि आने वाले वक्त में जो है नई सरकार बन गई, नया ओहदा ले लिया लोगों ने, नया एमएलए बन गया, नए मिनिस्टर बन गए, तो आने वाले वक्त में शायद ये रिपोर्ट देख के जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाएगी और इस रोड के लिए जो है आगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।